सब्सक्राइब कीजिए विंगो लैब्स चैनल को ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक अपडेट्स रोजाना, और साथ ही कनेक्ट करें अपनी इमेजिनरी टेक्नोलॉजी टू रियल टेक वर्ल्ड। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है विंगो लैब्स में, और मैं हूं मुकुल अग्रवाल, लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की लेटेस्ट टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट है LG, जो मेरे कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि LG अपना OLED जो प्लांट है वो चाइना में ओपन करने वाला है, बट अब उसकी क्रिटिसिज आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो कैंसिल हो गए प्लांट, अब वो क्लोज कर रहे हैं ये डील। बोला था कि LG के अच्छे दिन आने वाले हैं, बट इस न्यूज़ के बाद मुझे फिर से लग रहा है कि LG अब फिर से थोड़ी प्रॉब्लम में है। अगले अपडेट पे चलते हैं, WhatsApp के नए अपडेट में अब क्या होगा कि जो ग्रुप एडमिन है वो पूरा कंट्रोल कर सकता है अपने ग्रुप को, वो पूरी सेटिंग कर सकता है कि कौन मैसेज कर सकता है ग्रुप में, कौन मैसेज पढ़ सकता है ग्रुप के। अगले अपडेट पे चलते हैं, अब अमेजन एलेक्सा ने भी अपने वॉइस iOS ऐप में भी इंट्रोड्यूस कर दी है। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है किसके लिए, एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल बोल रहा है कि यह जो हमारी सीरी ऐप है उसके लिए तो बहुत बड़ा कंपटीशन का खड़ा हो गया इस अमेजन एलेक्सा की वजह से। तो देखते हैं अब एप्पल क्या स्टेप करता है, कुछ तो इंटरेस्टिंग करे जो अमेजन एलेक्सा को हरा सके, वरना वो तो अभी बहुत डेंजर में है। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं, गूगल का पिक्सल 3 मोबाइल और पिक्सल 3 XL कैड कि कुछ फोटोज हैं जो लीक हो गए हैं, उसमें दिख रहा है साफ कि फ्रंट में जो कैमरा होगा, फ्रंट में तो दो कैमरे हो रहे हैं इस बार इस मोबाइल में जो वर्ल्ड में पहली बार होने वाला है, और पीछे रेयर में ओनली सिंगल कैमरा। देखते हैं ये गूगल क्या चाहता है अब। वैसे तो उसके पिक्सल 4 बहुत धासु कैमरे के होते हैं, अब देखते हैं ये पिक्सल 3 क्या तूफानी करता है जो कि रिलीज होने वाला है अक्टूबर 2018 में। नो डाउट कि कैमरा तो बेस्ट होगा, जो लास्ट टाइम भी था वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा बोल रहे थे जो, अब देखते हैं कि कैसा कैमरा लेके आता है ये। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, हेल लाइक रोबोट मीन्स व्हाट इज दिस, कि जो एक बास्केटबॉल टाइप का रोबोट होगा जो कि एस्ट्रोनॉट को मदद देगा, कैसे उसकी गाइडलाइंस बनके जो कि होंगी एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड फ्रीलीनेस। वो पहले क्या करते थे, यूज़ करते थे लैपटॉप्स को एज ए गाइडबुक, बट अब जो बास्केटबॉल साइज का जो रोबोट होगा वो उनको गाइड करेगा कि क्या क्या आपको स्टेप्स करने हैं, जो कि जो लैपटॉप पहले काम करता था अब उनके हाथ फ्री रहेंगे, अब बास्केटबॉल साथ साथ चलेगी। हाँ, और वो जर्मनी के एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करेगा जब भी वो स्पेस में जाएंगे। अगले अपडेट पर चलते हैं, Vivo V9 ने अपना अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसमें है कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो निकल के आता है, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, प्लस इसमें जो मेन फीचर है जो अलग दिखाता है Vivo V9 से वो है 6GB की रैम। इसमें अब 6GB की रैम आपको मिलेगी, और इसकी प्राइस अभी इंडिया में स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये अभी इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है, देखते हैं इसका वेरिएंट इंडिया में कब तक आता है। अगले अपडेट पे चलते हैं, एक पर्सन है जिगोर, जो अपने लेक्चर में बोलता है, जो होस्टेड करवाया था किसने, यूनेस्को ने, वो बोलते हैं कि जो वीडियो गेम्स हैं वो बहुत ही अच्छा टूल बन सकता है स्टडी के लिए, ऐसा पहले माना जाता है और वैसे अभी भी माना जाता है कि जो वीडियो गेम्स होते हैं वो जो चिल्ड्रंस हैं उनको ट्रिगर करते हैं अग्रेसिव मूड में, वॉयलेंस में क्रिएट करते हैं, बट अगर वीडियो गेम्स को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जाए, बिल्ड किया जाए, तो वो एक कमाल का स्टडी टूल बन सकता है, ये एक जिगार के इंटरव्यू में लेक्चर में बोला गया है। अगले अपडेट में चलते हैं, वन प्लस सिक्स ने एक नया है वेरियंट रेड कलर का फ़ोन लॉन्च किया है, जिसमें
है, सामने होगी पूरी ब्लैक, पीछे होगी पूरी रेड, काफी कूल लुक लगता है बॉस। देखते हैं ये इंडिया में, देखते हैं कि ये 2 जुलाई को आने वाला है, जो वो यूजर्स कितने इसके लेते हैं, क्योंकि वन प्लस सिक्स बहुत ही धूम मचा रहा है आजकल इंडिया में। आपको पता ही होगा कि 28,000 यूनिट्स सिर्फ 10 मिनट्स में सेल हो गई थी, जो कि प्राइस थी 100 करोड़। देखते हैं कि अब ये रेड कलर का कूल लुक का वेरिएंट कितना धूम मचाता है, मेरे से देखने में तो बहुत सही लग रहा है। बस आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई सवाल और जवाब हो और सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स लाता रहूँगा। और अभी के लिए इतना ही, लव यू ऑल।